गाते वक्त या परफॉर्म करते वक्त हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? वैसे तो सिंगिंग गाने का काम है, लेकिन क्या चेहरे का उसमें कोई रोल है? क्या हमें चेहरे पर वर्क करना पड़ेगा या ध्यान देना चाहिए जब हम गाना कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं? तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या गाते वक्त चेहरे पर ध्यान देना चाहिए और चेहरा हमारा कैसा होना चाहिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, द सिंगर्स कंपेनियन, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए घर बैठे आप बॉलीवुड, इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक, वेस्टर्न, हर प्रकार का संगीत सीख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी अपना मोबाइल उठाइए और डाउनलोड कीजिए इस बेहतरीन एप्लीकेशन को और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, तू ही आशिकी, तू बहार है। मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, तू ही आशिकी, तू बहार। मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत एक गीत उन्हीं की कॉम्पोजिशन है राग यमन में, आप सुनिएगा, हमारे चैनल पर ये अवेलेबल है। तो आइए अब बात करते हैं उस टॉपिक पर कि क्या गाते वक्त चेहरे पर ध्यान देना ज़रूरी है और गाते वक्त हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले, इस टॉपिक पर आने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, अपने आप मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। गीत में भाव होते हैं, संगीत में रस होता है, बिना रस के बिना भाव के निर्जीव है संगीत एक तरह से, है ना। अगर आप बिना रस के बिना भाव के उस गीत को प्रेजेंट करें या उस धुन को गाएं या बजाएं या नाचें तो ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है कोई मृत व्यक्ति हो, है ना। जैसे एक व्यक्ति में जब तक भाव नहीं तब तक आप उससे जब बात कर रहे हैं तो एक एक्सप्रेशंस आने चाहिए ना, आप उसे कुछ बोलें तो उसका कुछ रिएक्शन आए, है ना। जब वो कोई बात बता रहा है तो उस रस के अनुसार वो बात बताए, है ना। वही बात अगर मैं कोई खुशी वाली बात है, बड़ी एक ऊर्जा वाली कोई बात है और मैं एकदम फ्लैट फेस से, पोकर फेस से अगर आपको बताऊंगा तो कितना आपको नीरस लगेगा, है ना, निरर्थक लगेगी बात की, कोई मज़ा ही नहीं आया, है ना, कि पता नहीं क्या बोला, को समझ नहीं आएगा, है ना। तो बिना रस के कोई भी बात जैसे कि अधूरी है, उसी तरह से बिना रस के कोई भी गीत अधूरा है, संगीत का कोई भी अंग अधूरा है। हर भाव, हर गीत में, हर संगीत के हर अंग में कोई ना कोई एक भाव छिपा है, कोई ना कोई एक रस छिपा है। और ज़रूरी नहीं उसमें एक ही भाव हो, अलग 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 भाव हैं, 9 रस हैं हमारे, इतने सारे भाव हैं हमारे, वो सब उसमें यूज़ आते हैं। अब उनका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है हमारी गायकी से, हम उन्हें एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं गायकी से। अब अगर मैंने ये लाइन गाई है कि मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, तू ही आशिकी, तू बाहर है, है ना। अब इसमें जो प्रेम मैं दर्शाना चाह रहा हूँ, जो शायर ने, जो राइटर ने दर्शाया है और जो कंपोज़र ने उसको जिन स्वरों में पिरो के दर्शाया है, अगर मुझे उन्हें एक्सप्रेस करना है तो अगर मैंने वो भाव नहीं दिए तो उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अगर मैं इसे जैसे गा दूँ, सिंपल सीधा सा, मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, तू ही आशिकी, तू बहार है। कितने भी मधुर कंपोजिशन हो, कितने भी अच्छे इसके शब्द हों, वो रस निकल के ही नहीं आएगा जब तक कि आप चेहरे पर काम न करें और अपनी गायकी पर काम न करें। अब सिर्फ मैं मेलोडी गले से नहीं दे सकता, मुझे चेहरा भी बनाना पड़ेगा। जैसे अगर सिर्फ गले से देने की कोशिश करूँ और मेरा फेस एकदम फ्लैट हो तो कैसा जाएगा? मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, तू ही आशिकी, तू बहार है। कुछ हद तक मैं दे सकता हूँ, लेकिन पूर्णतः, पूरी तरह से अगर मुझे वो भाव देने हैं तो मुझे मेरे चेहरे पर भी काम करना ही होगा और चेहरे में वो रस लाने की कोशिश करनी होगी, हल्की मुस्कान देकर, और वो प्रेम दर्शाना होगा। मेरा प्यार तू, मेरा यार तू, तू ही आशिकी, तू बहार है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे हाव भाव को हू बहू आप उतार लें, नहीं ऐसा नहीं करना है। अपने खुद के हाव भाव बनाने हैं आपको, खुद के रस जो हैं वो डेवलप करने हैं, किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी की स्टाइल कॉपी नहीं करनी है, किसी के एक्सप्रेशंस कॉपी नहीं करने हैं, किसी के जेस्चर्स यानी बॉडी मूवमेंट्स आपको कॉपी नहीं करने हैं, खुद के बनाइए, लेकिन रस भाव को मद्देनजर रखते हुए, रस भाव को ध्यान में रखते हुए। हर भाव में चेहरा भी अलग अलग होगा, इस चीज़ को भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि हर गीत को हमने मुस्कुरा के गा दिया, है ना, क्योंकि जैसा आप चेहरा बनाओगे ना ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस पर वैसा इफेक्ट आएगा, है ना, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। अगर कोई दुख भरा गीत है, कोई दुख भरी लाइन है, या कोई एनर्जी वाली एकदम जोश वाली लाइन है, तो उसमें आप वैसे नहीं कर सकते। हो सकता है कोई क्रोधित वाली लाइन हो, है ना, तो उसमें वो नहीं कर सकते। रस जो है वो कॉम्पोजिशन में आपकी गायकी से आएगा, और आपकी गायकी में वो चार चांद जो लगाएगा वो होगा आपका चेहरा, है ना, चेहरे के हाव भाव उससे आने चाहिए। ठीक है, तो चेहरे पर तो काम करना पड़ेगा। इसका एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि क्यों हमें चेहरे पर काम करना चाहिए। सिंगिंग एक वॉइस का काम है, जाहिर सी बात है, साउंड का काम है, लेकिन ये ऑडियो काम है, लेकिन आजकल अगर आप देख रहे हैं तो विजुअल जो है वो ज़्यादा प्रभावित है, है ना। हम सिर्फ ऑडियोज नहीं सुनते, हम चाहते हैं कि उसके साथ कुछ वीडियो भी हो, है ना, हम चाहते हैं कि आदमी गाता हुआ नज़र आए, उसमें कुछ एक्शन हो, उसमें कुछ जेस्चर्स हो, वो नज़र आए, कुछ कहानी भी हो। तो जाहिर बात है आपको अपने चेहरे पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप विजुअली वहाँ नज़र आ रहे हैं, है ना। आप कोई रोमांटिक गीत गा रहे हैं या फिर कोई दर्द भरा गीत गा रहे हैं, तो अगर चेहरा वैसा ना हो, आपके जेस्चर्स वैसे ना हो, तो बड़ा ही भद्दा लगेगा स्क्रीन पर, है ना। या फिर एकदम स्टिफ बैठ के एकदम सीरियसनेस से आप ये गाना गा रहे हैं, एकदम टेंशन में, एकदम भौहें चढ़ी हुई हैं, माथे पे ये जो शिकन आ गया, और आप ऐसे गा रहे हैं, मेरा प्यार तू मेरा यार तू, तो कितना भद्दा लगेगा देखते हुए, है ना। ऐसा लगेगा यार इतनी टेंशन उसे हो रही है, मुझे टेंशन हो गई देख के, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में वर्णित हैं ये सारी चीज़ें। गायकी के अगर गुण अवगुण में हम बात करें, तो अवगुण में आता है हमारा चेहरा बिगाड़ना, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि चेहरा जितना हो सके ठीक लगे, सुंदर लगे, है ना, कोशिश करें। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ मेकअप वेकअप कर लो, एकदम गोरे चिट्टे हो जाओ, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पर हाव भाव तो होते हैं, हाव भाव तो आपके हाथ में, उसके लिए रंग की ज़रूरत नहीं है ना, कि आपका रंग एकदम साफ है तभी वो हाव भाव आएंगे, नहीं, हाव भाव तो आपके चेहरे पर हैं, आपकी आँखें बोलती हैं। अगर वो दिल से आपने वो चीज़ फील करी है, तो आपकी आँखें बोलेंगी, और आँखें तो सबकी खूबसूरत होती हैं अगर उनमें भाव हैं, है ना। आंखें अपने आप आपकी बोल उठती हैं, आपकी वो खूबसूरती जो है अंदर की, वो निकल कर बाहर आती है, अगर आपने अंदर से उस गाने को फील किया है। और मैं सिर्फ गाने की नहीं, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ। मैं जब भाव की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्लासिकल भी आता है, इसमें वेस्टर्न भी आ गया, आपका भजन गीत गज़ल ठुमरी कव्वाली सब आ चुका है, है ना। तो सब पर आपको उस चीज़ का ख्याल रखना, चेहरे पर तो काम करना पड़ेगा। और चेहरे पे काम करना यानी थोड़ा अभिनय पे काम करना, और अभिनय पे काम करना यानी गीतों को समझ कर फिर उनके हाव भाव को प्रेजेंट करना और वो मैच करना। ये नहीं कि खुशनुमा गाने में आपने दुख भरा फेस बना रखा है, और एकदम जोश वाले गाने में टेंशन वाला फेस बना रखा है, है ना, या फिर कोई एकदम रोमांटिक गाना है और उसमें एकदम विभत्स रस वाला फेस आपने एकदम मुंह बिगाड़ के एकदम जैसे बहुत टेंशन हो रही हो आपको ऐसे गा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एफर्टलेस सिंगिंग जिसको कहते हैं, चेहरे पे एफर्ट्स नजर नहीं आने चाहिए कि एकदम एफर्ट लग रहे हैं आपको। ऊपर गाने में भी ऐसा जा रहा है जैसे रे ना तना, कितना भी ऊपर गा लीजिए, ऐसा नहीं कि ये जो चेहरा बिगड़ रहा है ना, कोशिश कीजिए इसको ना बिगड़े, क्योंकि सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि चलिए संगीतकार को तो समझ आ जाएगा कि भाई ऊंचे स्वर लग रहे हैं इसलिए एफर्ट्स लग रहे हैं, इसलिए हो सकता है चेहरा बिगड़ रहा हो, जोर लगाना पड़ रहा है। नॉन म्यूजिक लवर को अगर आप कहते हैं कि जिसको नॉन म्यूजिशियन को, है ना, जिसको संगीत समझ नहीं आता और वो म्यूजिक पसंद करता है, अगर वो आपको देखा वो कि यार ये जबरदस्ती चेहरा क्यों बिगाड़ रहा है, उसको तो नहीं समझ आएगा कि आपके स्वर ऊंचे जा रहे हैं इसलिए जोर पड़ रहा है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि समतल जो है, समान फेस रहे आपका, और खुश रहें, कोशिश करें, स्माइल रहे हमेशा चेहरे पर। मैं ऊपर भी चला गया तब भी मेरा चेहरा नहीं बिगड़ा, तो कोशिश करें कि गले में जो जो कुछ हो रहा है वो जहन में दिमाग में ही रहने दें, उसको चेहरे पर इतना जोर और वो कंजेस्टेड वो नहीं आने दें, है ना। तो चेहरे पर काम कीजिए, चेहरा अच्छा होगा तो गायकी और अच्छी लगेगी आपकी, क्योंकि हम विजुअल की बात कर रहे हैं, है ना, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं।
और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तब भी चेहरे पर काम कीजिए, क्योंकि चेहरा अगर अच्छा होगा तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आवाज़ पर कैसे असर आ जाता है उसका। अपने आप जैसे ही आप थोड़ा सा मुस्कुरा के गाते हैं तो आपकी गायकी खिल उठती है, ऐसा लगता है कि हाँ ये खुश होकर गा रहा है। ठीक है, तो चेहरे पर काम कीजिए, थोड़ा भावों को समझिए गीतों के। बस ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को। कुछ ना कुछ आपके सवाल, मेरे जवाब, मेरे एक्सपीरियंसेस, कुछ ना कुछ मैं मदद आपको करता ही रहूँगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे और भी वीडियोज़ जो हैं रेगुलर देखें। शुक्रिया।